देखिए, आज मुरादाबाद दौरे के क्रम में पहले तो एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, मैं उसमें गया था, लेकिन उसके बाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप है उस कोर ग्रुप के साथ विस्तार से चर्चा किए। फिर हमारे पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष और उसके ऊपर के सभी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठने का काम हुआ। जिले के अंदर जो विकास के काम चल रहे हैं उसके संबंध में कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया और फिर ज़िले की ये समीक्षा बैठक अभी मैं विस्तार से कर रहा था। और ज़िले का विकास हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं मुरादाबाद के निवासियों को यहाँ पर जो इस बार का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है उसमें यहाँ एक विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है इसके लिए बधाई भी दूंगा। और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई परियोजनाएं हैं, विकास प्राधिकरण के माध्यम से कई प्रोजेक्ट हैं, लोक निर्माण विभाग की दृष्टि से, सेतु निगम की दृष्टि से कई प्रोजेक्ट हैं, ग्राम विकास विभाग की दृष्टि से जो ग्राम चौपाल है, जो समूहों का गठन करके महिला सशक्तिकरण का अभियान है, इन सभी क्षेत्रों में बल देते हुए आज की बैठक के माध्यम से जो यहाँ हमारे एक चार्टेड अकाउंटेंट की हत्या हुई थी उस हत्या से जुड़े हुए जो असली अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द खोज निकालने के लिए भी निर्देश दिया गया है। मैंने यह भी स्पष्ट तौर से कहा है कि मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, इसलिए जितने भी अधिकारी हैं यहाँ उन सबको स्पष्ट तौर से मैंने खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, हमारा कोई ग्राम प्रधान हो और चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, हमारे चाहे कोई माननीय विधायक हो चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, इनके माध्यम से जो समस्याएं हैं बताई जाती हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना है। मैं 25 जिलों के प्रभारी के नाते कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे आने पे मेरी बात सुनी जाए और मेरे कार्यकर्ता की बात ना सुनी जाए। मेरी प्राथमिकता रहती मेरे कार्यकर्ता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फीडबैक मिला है वो संतोषजनक है, जिला विकास के पद पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई है और जो इस ज़िले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो ज़िले से संबंधित हैं, जो मंडल स्तर से संबंधित हैं उनका समाधान करें और जो शासन से संबंधित हैं उन समस्याओं को शासन को प्रेषित करने का काम करें। दूसरा राजनीतिक सवाल पूछें उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2014 में मुरादाबाद भाजपा के पास थी, अमरोहा भाजपा के पास थी, संभल भाजपा के पास थी, तो जो सीटें हम 2019 में निश्चित तौर से वोट अधिक पा करके 2014 से फिर भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों को हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से 80, देश से 400 पार के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार स्वतंत्र भारत की बनाने का काम करेंगे। यह मैं राजनीतिक दृष्टि से आपके सवाल आऊँ उससे पहले मैंने बता दिया। जी सर, आपके द्वारा कहा गया अखिलेश यादव का अगर बस चले तो मेरे क्या नहीं, मैं आप उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं, इसलिए वह जो गलत शब्दों का प्रयोग लगातार करते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं वह आप सब आपके चैनलों ने सब देखा है। उसके क्रम में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है कि उनका बस चले तो मुझे वह ऐसे सभी स्थानों पर से हटा दे, चूँकि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, सपा एक डूबता हुआ जहाज है, सपा का अब राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, सपा बयानबाजी में है, ज़मीन पर नहीं है, उनके पास गुंडे अपराधी और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है,
जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रसन्न है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसका हमें लगातार जब भी चुनाव होते हैं उसमें विजय मिलती है, सरकार में हम लोग आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। जी, जी जान का खतरा बताया एक बात नहीं बोला, उसी पे तो बोला मैंने, अभी आप सुने नहीं। निकाय चुनाव को लेकर क्या, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और 27% पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराएंगे। ये आश्वासन है कि हिंदू नब्बा पे की घोषणा हुई तो सपा सांसद एहतियातन चाटो बस में। देखिए, हिंदू नव वर्ष पर देश की संसद में छुट्टी हुई, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हर जिले में कराया जाए समितियों का गठन करके, या नवरात्रि का समय है तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाए, ऐसे आयोजन किए जाएँ, वो हम लोगों ने सरकारी स्तर पर भी व्यवस्था की है। और जो इस प्रकार के बयान देते हैं उनके बयान का कोई महत्व नहीं है, उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ऐसे बयान को मैं रिजेक्ट करता हूँ। थैंक यू सर।